नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। अगर आप भी आने वाले समय में सोने अथवा चांदी की खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। सोने की कीमत अगले 4 महीनों में करीब 16% तक बढ़ सकती है। घरेलू बाजार में अभी सोना 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1756 प्रति आउंस है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर के एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस साल के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2000 और घरेलू बाजार में ₹60,000 तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो आइए आपको बताते हैं। जानकारों के मुताबिक देश में जरूर महंगाई कम हो रही है, लेकिन वैश्विक पैमाने पर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है और इससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इसे महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है। यानी महंगाई बढ़ने पर सोने में निवेश बढ़ जाता है। इसी के साथ में कई दूसरी परिस्थितियां भी है जो सोने के अनुकूल है। अमेरिका में मंदी की आशंका, ब्याज दरों में बढ़ोतरी थमने के आसार, शेयर बाजार में गैर वाजिब तेजी और भू राजनीतिक तनाव सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं। आगामी महीनों में सोने में तेजी की संभावना के बड़े कारण आपको बताते हैं। इसमें पहला कारण है स्थिर महंगाई। जी हाँ, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ऊंची महंगाई दर लंबे समय तक रहेगी। ऐसे में फेड आगे भी आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ाकर आर्थिक मंदी की तरफ नहीं बढ़ना चाहेगा। दूसरा पॉइंट है डॉलर इंडेक्स। वेल फार्गो के जॉन लॉ फोर्ज का मानना है कि डॉलर इंडेक्स 20 साल के ऊंचे स्तर 113 से नीचे रहेगा। ऐसा होने पर सोने में $150 से $200 की तेजी आ सकती है। तीसरा कारण है मंदी की आशंका। अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वेल फार्गो के मुताबिक अक्टूबर या नवंबर में अमेरिका में मंदी शुरू होगी। ऐसे हालात में डॉलर कमजोर होता है और सोने में तेजी आती है। चौथा कारण है माइनिंग लागत। IIFL सिक्योरिटी के कमोडिटीज VP अनुज गुप्ता ने बताया है कि एक साल में गोल्ड माइनिंग लागत 7% से बढ़कर $1173 प्रति आउंस होने से सोने की सप्लाई कॉस्ट बढ़ने लगी है। इसी के साथ में केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने कहा कि गोल्ड अंडर वैल्यूड है, यानी सोने की कीमत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जबकि आगे मंदी की आशंका है। 2008 की बात करें तो 2008 में भी मंदी आने से 6 से 8 महीने पहले गोल्ड अंडर वैल्यूड था। इसका मतलब है कि यह तेजी से पहले की स्थिरता है। दूसरी ओर ओवर वैल्यूड शेयर बाजार में गिरावट शुरू होने से सोने में निवेश बढ़ना तय है, और इसी वजह से एक्सपर्ट का कहना है दोस्तों कि आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम में 15 से 16% की बढ़ोतरी होना तय है। तो ऐसे में अगर आप भी सोने अथवा चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए सुनहरा मौका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।